यस क्लास नाइन्थ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आवर टॉपिक इज यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम देखेंगे। ये प्लेन है आपके पास, जिसमें ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। दिस वन इज योर वर्टिकल लाइन। ओके बेटा, ये जहाँ पे मिल रहे हैं इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0 0। और ये चार क्वाड्रेंट को फॉर्म करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो वैल्यू होती है एक्स एंड वाई की, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स प्लस प्लस, एक्स का क्या है प्लस, वाई का क्या है प्लस। सेकंड, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स का क्या है माइनस, वाई का क्या है प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें एक्स का क्या है माइनस, वाई का क्या है माइनस। देन फोर्थ वन क्वाड्रेंट, एक्स का क्या है प्लस में और वाई का क्या है माइनस में। ओके बेटा, ये ओरिजिन है जहाँ पे आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन मीट कर रही है। यहाँ पे हमेशा एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 0। नाउ राइट आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके आंसर्स देने हैं। जैसे ए पार्ट में, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। अभी मैंने बताया आपको, क्या बोलते हैं बेटा एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। ओके बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन बी पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। मींस जो आपकी एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये जो दो लाइनें हैं, ये दो लाइन मिलके क्या कर रही हैं आपकी, कितने क्वाड्रेंट फॉर्म कर रहे हैं, कितने फिगर बना रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं, क्वाड्रेंट, जो कि कितने होते हैं, 4 होते हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, और जहाँ पे ये दोनों लाइनें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आपस में मीट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। बेटा अगर इसमें क्वेश्चन चेंज करके आएगा कि वैल्यू निकालिए कि ओरिजिन में क्या वैल्यू होती है एक्स और वाई की, तो आपका आंसर क्या होगा, 0 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। अब आपने फिगर देखना है बेटा, ये फिगर मैंने पेन से बनाया है, आप पेंसिल से बनाएंगे। ओके, विद द हेल्प ऑफ रूलर। ए पार्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट बताने बेटा। तो बी देखिए कहाँ पे, ये आपका, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर गिराएंगे, यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर गिराएंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपकी एक्स की, कितनी हो रही है -5। -6 और -4 के बगल में बीच में है तो -5, और वाई का कितना आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। ओके बेटा, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी कोऑर्डिनेट देखिए, सी यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ रही, 5 आ रही है। अगर यहाँ से सीधे हम परपेंडिकुलर गिराएंगे, यहाँ से भी गिराएंगे तो -5 आएगी आपकी, तो ये वैल्यू दी है। ओके, सी पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। -3 और -5 कौन से कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है, देखिए -3 एक्स का है, पहला वर्ड आपका क्या होता है माइनस का, एक्स का होता है, तो एक्स का -3 कहाँ पे है, ये आपका -3। ओके, और वाई का -5, वाई का -5 कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा, तो कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये आपका ई कोऑर्डिनेट। ओके बेटा, देन डी पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -2, -4। अब एक्स का 2 कहाँ पे है, ये है एक्स का 2, वाई का -4, वाई का -4 यानी नीचे को, तो ये कौन सा पॉइंट है आपका, जी, तो जी पॉइंट आ गया आपका, ठीक है आंसर में। द एब्सेसा ऑफ डी, डी पॉइंट का एब्सेसा, एब्सेसा मीन्स बेटा द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर यहाँ पे ऑर्डिनेट बोला होता तो मीन्स होता इसका द वैल्यू ऑफ वाई, तो एब्सेसा डी का देखना है, डी पॉइंट कहाँ पे, ये आपका, इसका एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 6, तो आपका आंसर कितना हो गया, 6। इसी क्वेश्चन में अगर ऑर्डिनेट बोला होता तो ऑर्डिनेट कितना आता आपका, इसका परपेंडिकुलर लेते हैं हम पैरेलल इसके केस में, तो 2 आता इसका आंसर, अगर ऑर्डिनेट पूछा होता तो। नाउ द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, पॉइंट एच का ऑर्डिनेट, तो पॉइंट एच कहाँ पे आपका, ये है, इसका ऑर्डिनेट यानी वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू कितनी आ रही, -3, तो -3 आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, इसी तरीके से हम इन दोनों के आंसर्स भी निकाल लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन विच क्वाड्रेंट और द एक्सिस डू द पॉइंट लाइज। ये पॉइंट बताने आपने बेटा, -2, -4 कहाँ पे है आपका, कौन से कॉमा में आएगा, आपको पता है एक्स का माइनस का और वाई का प्लस का, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले पोर्शन में पढ़ाया था, एक्स का माइनस का वाई का प्लस का कहाँ पे आ रहा है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। फिर एक्स का प्लस का वाई का माइनस का, एक्स का प्लस वाई का माइनस, एक्स का प्लस वाई का माइनस, ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। वैसे सी पार्ट है -1 0, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 है, यानी ये एक्स एक्सिस में कर रहा है, चूंकि माइनस है तो आप निगेटिव लिखेंगे, निगेटिव एक्स एक्सिस, अगर ये प्लस होता तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस आता आंसर आपका। ओके, डी पार्ट है आपका 1, 2, डी कोऑर्डिनेट का क्या दे रखा है, 1, 2, तो दोनों प्लस में किस में होते हैं बेटा, आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। देन ई पार्ट इज -3, -5, तो दोनों माइनस किस में होते हैं बेटा, देखिए एक्स और वाई की वैल्यू दोनों माइनस में किस में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपका आंसर क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके बेटा, थैंक यू।